दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों साल 2023 का सबसे बड़ा और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। दोस्तों इस ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी और 6 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। वहीं यह सूर्य ग्रहण काफ़ी भयंकर और बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह काफ़ी लंबा सूर्य ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण सभी राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालने वाला है, परंतु सभी राशियों में से 6 राशियां ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होने वाली हैं और उनको करोड़ों का धन मिलने वाला है, यानी वो करोड़पति बनने वाली हैं और धन से माला माल होने वाली हैं। दोस्तों इस ग्रहण के प्रभाव से देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। दोस्तों 14 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कब कहाँ है, इसका सही समय और सूतक काल, इसके अलावा कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेंगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, हम आपको सारी जानकारी देंगे। इसके साथ ही ये भारत के कौन से हिस्से में दिखाई देगा और किन किन देशों में भी दिखाई देगा, ग्रहण काल का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बरती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों उन सभी शुभ कार्यों के बारे में भी बताएंगे जो ग्रहण काल के समय वर्जित रहता है और जो करने योग्य है। दोस्तों ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पे इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभु लिखना ना भूलें। तो दोस्तों ये सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वो मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर ये 6 राशियों पर देखा जा सकता है और वहीं शुभ राशि यही रहेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर यानी कि देखने को मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अटलांटिक कई देशों में देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर में, और साथ ही साथ एशिया के कई देशों में दिखाई देगा। अब बात करें अगर सूतक काल की, तो ग्रहण काल यानी कि रात्रि 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 से शुरू होकर रात्रि 2:05 तक रहेगा, यानी कि जिसका कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से प्रारंभ होगा। दोस्तों सूतक काल में यानी कि बच्चे और रोगी जो बीमार अस्वस्थ पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खान पान के पदार्थों में तुलसी दल, तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस समय गर्भवती महिलाओं को लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी जब तक ग्रहण पड़े तो उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सोना चाहिए, ना ही खाना पकाना चाहिए, और जिस कमरे में है उस कमरे की खिड़कियों को बंद कर दें, यानी सूर्यदेव की किरणें आप तक ना पहुँचें, यहाँ तक कि चौखट और दहलेज पर भी नहीं लागना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। साथ ही छुरी, चाकू, सुई, नुकीली चीज़ें, धारदार वाली वस्तुएं और जैसे हंसिया, खुरपी वगैरह, इन चीज़ों को छूना वर्जित है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित है, यानी जो काटने वाली चीज़ है उसे बिल्कुल नहीं छूना है। ग्रहण काल में सोना और भोजन दोनों ही वर्जित है, यानी आपको ना तो खाना है और ना ही आपको सोना है। दोस्तों ग्रहण काल में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए, खास तौर पर कोई भी ग्रहण का सूतक काल लगता है दोस्तों, खासकर
साल 2023 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल के दरमियान से ही आप अपने घर के मंदिर के कपाट बंद कर दें। ग्रहण काल के दरमियान पूजा पाठ ना करें बल्कि भगवत चर्चना जरूर करें। दोस्तों, इस ग्रहण का असर सभी राशियों पर देखा जा सकता है, लेकिन खासकर दोस्तों ये जो छह राशियां हैं ये बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली हैं। इनको धन का अंबार मिलने वाला है, यानी धन का खजाना मिलेगा। साथ ही यह करोड़पति भी बनने वाली हैं। जरूरतमंद लोगों को दोस्तों इस सूर्य ग्रहण के दरमियान दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा। सूर्य ग्रहण के बाद आप नहा धोकर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें और दान जरूर करें। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, तिल का दान करें। इस सूर्य ग्रहण में आप दान जितना करेंगे उतना ही शुभ माना जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते और ग्रंथों के अलावा ग्रहण काल के दरमियान सूतक काल में पूजा पाठ भी नहीं करें। ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति को भी छूना वर्जित है। इस दौरान कोई भी शुभ काम बिल्कुल ना करें, अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इस दौरान आप दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह का। दोस्तों, इस समय में तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 का यह लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है और यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े, धन से जुड़े कोई भी समस्याएं हैं तो आपको उससे छुटकारा दिलाने वाला होगा। परंतु यह सूर्य ग्रहण हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों के हाल। तो कौन कौन सी है वह भाग्यशाली राशियां जो ग्रहण के दौरान जिन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए और दोस्तों वह करोड़पति भी बनेंगी। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सबसे पहली राशि आती है यहां पर वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो यह इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के लिए शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण आपके धन को बढ़ा सकता है। सूर्य ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आप के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी जॉब के लिए किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपको खुशियां प्राप्त होंगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली जो राशि आती है वो है राशि मकर राशि। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, व्यवसाय में हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय साबित कहा जा सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग ला सकती है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। अगली जो राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बैंक से लोन आपको मिल सकता है। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और दोस्तों, अचानक से आपको नए नए धन के स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले से फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वाले जातकों मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारियाँ भी मिलेंगी और आप अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं तो इसका उसकी प्रशंसा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगली जो राशि आती है दोस्तों वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत पैसों की पड़ रही है तो आपको अचानक से कहीं धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत या सुधारने में काफ़ी अहम साबित होगा। आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध में काफ़ी मधुरता बनी रहेगी।
कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे। अगर आपके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको शुभ परिणामदायक कहा जा सकता है। अगली जो राशि आती है दोस्तों, वो है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वाले जातकों को इस ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीज़ों का लाभ होने वाला है। अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर रह सकता है। परिवार की जिम्मेदारियाँ आप पर बन सकती हैं, समझने का प्रयास करें। और सूर्य ग्रह के प्रभाव से आपके वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक करेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। अगर हम अगली राशि की बात करें तो अगली राशि रहने वाली है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण का जो प्रभाव है वो धनु राशि के जातक यानी धनु राशि वालों पर रहेगा। आप अपने संतान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वाद विवाद भी आपके लोगों के साथ होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी या फिर जो लोगों से प्रोफेशनल संबंध है, उनके संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है उनसे। संतान के पराक्रम से आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं और संतान की तरक्की से भी ये ग्रहण आपके लिए धनु राशि वालों शुभ साबित होगा। आपको ये ग्रहण धन से संबंधित कई चीज़ों में मुनाफा देगा, यहाँ तक कि गुप्त धन आपको दिला सकता है। यहाँ तक कि किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़पति बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। धनु राशि वालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वर्य में, धन दौलत में भी वृद्धि करते नजर आ रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो दोस्तों, साल 2023 में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगली राशि है जिनको सावधानियां बरतनी है, वो है मकर राशि। आपको यहां पर बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको दुर्घटनाओं से बचना है, किसी भी लेनदेन से बचना पड़ेगा। लेनदेन के मामले में सतर्क रहें, कर्जा बिल्कुल ना लें। हालांकि आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने के योग भी बन रहे हैं। धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके धन में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आप बिना किसी जॉब के भी धन कमा सकते हैं। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सोच समझकर कार्य करें और वैवाहिक जीवन भी खुशमय रहने वाला है। लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है, कोई भी अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। कुल मिला के कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी, कुछ चीज़ें नहीं, उसे आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण में आप सूर्य से संबंधित मंत्रों का जितना ज़्यादा हो सके उतना जॉब करिए। दोस्तों, इस बार सूर्य ग्रहण पर कई ग्रहों के वक्री होने से और कई ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से और कई ग्रहों की युति बनाने से राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि इन राशियों के लिए बेहद ही शुभ परिणामदायक कहा जा सकता है। दोस्तों, सूर्य से संबंधित जैसे कि आप पुराणों का, कथा का आप श्रवण जरूर करें सूर्य ग्रहण के दौरान और मंत्रों का जाप करें, इससे आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो कुल मिला के ये सूर्य ग्रहण छः राशियों को करोड़पति बनाने जा रहा है। इन छः राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा अपनी राशि का नाम। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।